वेलकम हो गया आपका सना सर फराज दी लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिर फायर होंगे, बन होंगे, मज़े में होंगे और मुझे देखते होंगे डेफिनेटली। सो गाइज, अभी आज 25th रोज़ा है और सुबह का टाइम है और मैं वॉक कर रही हूँ। मैंने शॉर्ट डाला है, आप लोग देखें, और अभी मैं व्लॉग भी अपलोड कर रही हूँ। तो बता रही हूँ कि मैं मेरी डेली रूटीन क्या है, मैं शॉर्ट में इतनी बात नहीं कर सकती, व्लॉग भी बना रही हूँ। देखिए कितना अच्छा व्यू है, सुबह का टाइम है और कि रमज़ान में मेरी डेली रूटीन क्या है। सबसे पहले मैं उठती हूँ 2 बजे, तहज्जुद पढ़ के 3 बजे तक मैं सहरी कर लेती हूँ। 3 बजे के बाद फिर मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ और वो वॉक मैं कहाँ करती हूँ ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर वॉक करती रहती हूँ और फिर उसके अलावा वीडियोस बनाती हूँ, और रमज़ान में चूँकि वैसे इतना काम नहीं होता। फिर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वेट करती हूँ, एक तो ट्रैक्टर चला जाए ना, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। सो गाइज, आप लोग देखें यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल पुरसकून है, और मैं यहाँ पे डेली वॉक करती हूँ, और कभी मैं नहीं भी करती रमज़ान के अलावा, तो मैं करती थी रात को, और लेकिन डेली के हिसाब से क्योंकि मूड मूड की बात है, कभी मूड होता है कभी नहीं होता, तो मैंने कहा आज आप लोगों को मैं बता भी दूँ, साथ दिखा भी दूँ। गिम्बल आना चाहिए तो उससे यह है कि ज़रा कम्फर्टेबल रहता है, लेकिन मैं थोड़ी सी ना सुस्त हूँ। मैं कहती हूँ बस ठीक है, हो जाएगा, अभी देखे ना ऐसे ऐसे होता है मोबाइल। देखिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, और सुबह की जो एयर है वो आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छी होती है, और वो सुबह के टाइम क्योंकि लोग इतना वॉक भी नहीं कर सकते, बट ये जो टाइम होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, और इसी टाइम आप लोगों को वॉक भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम बंदा वैसे तो इतनी सुस्ती चढ़ी होती है, दिल ही नहीं करता बेड को छोड़ने का। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लोग बड़ा फोकस करते हैं अपनी टाइम पर, मींस कैजुअल बहुत अच्छा हो जाए। नहीं कि जो टैंक से ना गुजर गुजर के ना, कसम से मुझे आप लोगों से बात नहीं करने दे रहे। कुछ देर में सुकून के साथ जो है ना यहाँ पे टाइम स्पेंड करती हूँ, इतना अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि असल में आप अगर किसी सेफ जगह पर नहीं हो ना तो आप सुबह वॉक नहीं कर सकते। तो गर्ल्स हैं वो, उनको ना कहीं पर भी सेफ फील नहीं होता। जहाँ पर मैं हूँ ना अभी, यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर मैं अकेली इजीली वॉक भी कर सकती हूँ। लड़कियों के लिए जो है ना सेफ प्लेस नहीं है यहाँ पाकिस्तान में ना, और उनको ना हमेशा वॉक करने के लिए या किसी काम करने के लिए ना उनको साथ उनके कोई ना उनको कोई ना कोई मर्द या औरत या कोई ना कोई उसके उसका पार्टनर उसको चाहिए होता है कि उसके साथ वो टाइम गुजारे, ताकि वो इस तरह का कोई कैजुअल रूटीन बना सके। बहुत सारी लड़कियाँ आना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, बट वो उनको घर से अलाउ नहीं होता कि वो बाहर जाके वॉक करें। असल में उनकी गलती नहीं है, माहौल ही ऐसा है पाकिस्तान का कि यहाँ पे ना एक लड़की के लिए सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल है। एनवायरनमेंट जो है ना ये आपको जो है किसी टाउन में या इस्लामाबाद में मिल सकता है, पिंडी में लड़कियों के लिए तो निकलना ही बहुत बड़ा अजाब है। एक तो रमज़ान में तो वैसे भी इतनी रश होती है, रात को तो बंदा सोच भी नहीं सकता, और सुबह में भी आप देखो कि उधर सुबह में भी रश होती है। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह वॉक के लिए आते हैं, और रमज़ान के अलावा भी रमज़ान में भी सुबह शाम लोग इधर काफ़ी ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे क्योंकि एक कंफर्टेबल जोन बना हुआ है, और यहाँ पे ना बहुत सारे टिकटॉकर स्पेशली आके वीडियो। सो गाइस, हल्की हल्की धूप निकल आई है क्योंकि मैं अकेली हूँ, वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए साथ साथ वॉक भी हो रही है, आप लोगों से आज बात भी हो रही है, और स्पेशली फिर मैंने वेट किया है कि आप लोगों को दिखाऊं। मेरे करीब अच्छी जगह बनी हुई है, वॉक की पाथ बना हुआ है, वॉक का प्रॉपर पाथ बना हुआ है, और अंदर बहुत ज़्यादा एरियाज बैठने के लिए हैं। सो गाइस, फाइनली मुझे आधा घंटा हो चुका है और अब मैं चलती हूँ क्योंकि रोज़ा है, और रोज़े में इतनी ज़्यादा वॉक जो है ना वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि आगे पूरा दिन भी सर्वाइव करना होता है, गुजारना होता है। और अभी मैं जाके सो जाऊंगी, और सोने के बाद दोपहर टाइम उठेंगे तो फिर दोबारा से वही रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सना सरफराज को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ। ओके गाइस, टाटा।